मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। रवि पुजारी को सोमवार रविवार के दरमियान रात में बेंगलुरु पुलिस के अफसर उसे अफ्रीका देश के सेनेगल से भारत लेकर आए हैं। रवि पुजारी पर भारत में हत्या और जबरन वसूली के 200 मामले दर्ज हैं। रवि पुजारी पहले कुछ साल तक माफिया डॉन छोटा राजन के सहयोगी था, मगर राजन का साथ छोड़ने के बाद रवि पुजारी ने अपना गैंग बना लिया और रवि पुजारी पर अलग अलग कारणों से बॉलीवुड के कई स्टारों को धमकाने का आरोप है। इनमें सलमान खान, शाहरुख खान के अलावा गायक अरिजीत सिंह भी शामिल है। भारत सरकार ने सेनेगल सरकार से 2019 में रवि पुजारी को भारत को सौंपने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अब सेनेगल सरकार ने रवि पुजारी को 22 फरवरी के रात बेंगलुरु के पुलिस अफसरों को सौंप दिया। दरअसल रवि पुजारी को पिछले साल सेनेगल पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद उसने बुर्किना फासो के एंथनी फर्नांडिस के नाम पर जाली पासपोर्ट बनवाया और दक्षिण अफ्रीका भाग गया, जिसके बाद सेनेगल पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका की पुलिस की मदद ली और एक ज्वाइंट ऑपरेशन में रवि पुजारी को गिरफ्तार किया गया और उसे वापस सेनेगल लाया गया। रवि पुजारी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही भारतीय दूतावास सक्रिय हो गए। भारत सरकार को सेनेगल सरकार ने आखिरकार रवि पुजारी को सौंप दिया है। एयर फ्रांस की फ्लाइट से उसे बेंगलुरु लाया गया। पुलिस के मुताबिक रवि पुजारी पूछताछ में सहयोग कर रहा है और आज यानी सोमवार दोपहर में रवि पुजारी को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए रिमांड भी मांगी जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।